ये आप सामने करने जा रहे हैं तो आपको गुलमर्ग से बस भी मिल जाएगी, ऐसे बस जा रही है, नहीं आपको श्रीनगर से बस भी मिल जाएगी गुलमर्ग के लिए, जैसे ये बस जा रही है तो ऐसे ही पूरे रास्ते पर आपको बस भी मिल जाती है, आप अपनी टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। तो बहुत जाने हैं, बहुत तरीके हैं गुलमर्ग पहुंचने के। अब यहाँ हम लोग को थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखने लगी है, अभी यहाँ से करीब गुलमर्ग 9 किलोमीटर और है, जैसे और निहारिका है काफ़ी खुश बर्फ देख की पहली बार, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत बार बर्फ देखी हुई है, तो निहारिका ने पहली बार मतलब बर्फ देखने वाली है इस बार। क्या है कि प्लान के हिसाब से हमको जल्दी जल्दी उठना पड़ रहा है मॉर्निंग में, क्योंकि आज जो हम जहाँ जिस प्लेस में हम लोग जा रहे हैं तो वो प्लेस है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, श्रीनगर से मात्र 50-60 किलोमीटर की दूरी पर, जाने में लगेगा टाइम 2 घंटे। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो फिलहाल आज हमारा प्लान है श्रीनगर से गुलमर्ग जाने का, और गुलमर्ग में क्या क्या एक्टिविटी है घूमने के लिए वो देखने का, क्योंकि एक्चुअली एक चीज़ ये है कि वहाँ पर गुंडोला होता है, मतलब रोप वे का टिकट मेरे को ऑनलाइन नहीं मिला था, मतलब साइड में दिक्कत थी या फुल हो गया था, लोग बोल रहे थे कि वहाँ जाके नहीं मिलेगा, ऑनलाइन करो। 2 दिन से ऑनलाइन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ऑनलाइन नहीं मिल रहा, इसलिए सुबह हमने प्लान बनाया कि मॉर्निंग में 6 बजे का निकलते हैं, तो 9 बजे से गुंडोला स्टार्ट होता है मॉर्निंग के 9 बजे से, और करीब 750 रुपये से चार्ज होता है, तो 9 बजे जाके क्या पता मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, और कुछ अगर सीटें वैकेंट हो तो क्या पता वो मेरे को मिल जाए। फिलहाल निहारिका देखो तैयार होने में लगा रही है बहुत ज़्यादा टाइम, अभी तक इसके बाल नहीं बढ़े हुए हैं, देखो ये इसके हालात हैं, इसको सबसे लेट यही है निहारिका, मम्मी पापा लोग को देखते हैं वो तैयार हुए कि नहीं हुए। तो हो गए, लेट सेट गो, रेडी गो। और आज तो मज़ा आने आ रहा है, जैकेट कहाँ है तुम्हारी, जैकेट रखी है, मॉर्निंग का कुछ नज़ारा ऐसा है श्रीनगर का, देखो चारों ओर अभी सनराइज होने वाला है, अभी सामने वाले पहाड़ से हल्के हल्के बादल हैं, उधर आसमान में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, और पूरा शहर भजन अजान और शायद गुरुद्वारा भी है उसकी भी आवाज़ आ रही है, तो उससे पूरा शहर में मतलब मॉर्निंग में 5 बजे से स्टार्ट होता है और पूरे शहर में मतलब यही आवाज़ गूंजते रहती है। लाल चौक वाला ये लाल चौक, और ये घंटाघर है, देखो आप पूरा वहाँ पर आनंद देते हैं, पूरी आर्मी लगी रहती है, उसके ऊपर पहले झंडा दूसरा था, अभी तिरंगा झंडा उसके ऊपर लगाया गया है। तो ये है तो श्रीनगर का व्यू, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर को, कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है गुलमर्ग की। भैया अभी सुबह सुबह रेडी हो गए, और मैं भी हम लोग भी रेडी हो गए, हमने कहा सुबह सुबह जल्दी आएंगे तो 9 बजे तक पहुँच जाएंगे ना उधर, 9:15 बजे पहुँच जाएंगे, तो अपना दिन का मतलब जो होगा विजिट आराम से हो जाएगा, और हम शाम को फ्री भी जल्दी जाएंगे। तो आप देखिए सामने का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त दिखने लग गया है, मतलब अभी तो थोड़ा मतलब फॉग है और हल्का धुंधला है, लेकिन सामने पूरा हिमालय रेंज, जो क्योंकि आँखों का कैमरा और इस कैमरे में जमीन आसमान का फर्क होता है, देखो तो सामने कितना खूबसूरत पूरा बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं गुलमर्ग की ओर जाते हुए हम लोग को। यहाँ पर मार्च चलते रहते हैं बिल्कुल रोड पे, हर 2-3 किलोमीटर पर जाके आपको दिख जाएगा पूरा इंडियन आर्मी मार्च करते हुए। तो अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो उन्होंने बोल दिया कि फ़ोन नीचे करो, इशारा किया तो फ़ोन मैंने नीचे कर दिया, ऐसा भी होता है, देखो यहाँ टफ है जो आर्मी
तो यह देखिए सुंदर नज़ारा उस साइड का बर्फ का, और हम लोग रुके हैं चाचा का ढाबा, न्यू वैष्णो ढाबा में ब्रेकफास्ट के लिए। फिर यहाँ से आगे गुलमर्ग का रास्ता और पूरा करेंगे। यहाँ पर क्या है कि रोड घाटी है, तो पूरा रोड संकर मतलब पैलर पैलर है और चारों ओर से पहाड़ है, तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है। कि आप सामने का नज़ारे, तो आपको गुलमर्ग से बस भी मिल जाएगी, ऐसे बस जा रही है, नहीं आपको श्रीनगर से बस भी मिल जाएगी गुलमर्ग के लिए, जैसे ये बस जा रही है, तो ऐसे ही पूरे रास्ते पर आपको बस भी मिल जाती है, आप अपनी टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। तो बहुत जाने हैं, बहुत तरीके हैं गुलमर्ग पहुँचने के। ऊपर वाला देखिए आप, पहाड़ बहुत खूबसूरत लगा है इस रास्ते में, क्या नज़ारा है। अब देखिए हल्के की स्नो दिखने लगी है, टनमर्ग हमने क्रॉस किया, जो बसें होती हैं जो श्रीनगर से निकल के आती है और टनमर्ग तक आती हैं, बस हो गया, वहाँ से आपको फिर से आपको वहाँ से लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी शेयरिंग वाली। अब यहाँ हम लोग को थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखने लगी है, अभी यहाँ से करीब गुलमर्ग 9 किलोमीटर और है, जैसे और निहारिका है काफ़ी खुश बर्फ़ देखी पहली बार, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत बार बर्फ़ देखी हुई है, तो निहारिका ने पहली बार मतलब बर्फ़ देखने वाली है इस बार। तो ये देखिए पूरे अब यहाँ से धीरे धीरे बर्फ़ दिखने लगी है रास्तों में। तो ये रास्ता जो है, जो आप देखते हो वीडियो ना, चारों देवदार का पूरा जंगल है, जब यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो ये रास्ता पूरा बर्फ़ से ढका रहता है और काफ़ी खूबसूरत मतलब लगता है ये रास्ता। देखिए सब जगह बर्फ़ है ना। तो भैया हम पहुंच गए, देखिए गुलमर्ग, गुलमर्ग मतलब फूलों का पूरा मैदान। ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा नज़ारा यहाँ से ऊपर तक का। ऊपर एक शिव मंदिर है और यहाँ पे है खूबसूरत, वाह मज़ा आ गया, जन्नत हो तो यही हो आखिरकार। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखूंगा गुलमर्ग में क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या यहाँ घूमने के लिए है, कैसे कैसे आप आ सकते हैं। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पक्का देखना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।